हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आज इस वीडियो में करने वाला हूँ इनडेप्थ रिव्यू मोटो X4 और ओप्पो F5 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे एक ही वीडियो में दोनों फोन्स का रिव्यू कैसे होगा, तो एक साइड बाय साइड कंपैरिजन मिल जाएगा आपको दोनों फोन्स का। और ये दोनों फोन्स एक ही प्राइस सेगमेंट में आते हैं, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मैं दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30fps पे। और सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो मोटो X4 की फ्रंट एंड बैक में हमें मिलता है ग्लास डिजाइन जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है, और ओप्पो F5 में हमें मिलता है कंप्लीट प्लास्टिक डिजाइन जिसकी वजह से फोन को हाथ में होल्ड करने में प्रीमियम फील नहीं आती। मोटो X4 की राइट साइड में हमें मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और एक टेक्सचर्ड पावर बटन, और टॉप पे हमें मिलता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और उसके साथ में एक हाइब्रिड सिम ट्रे। और ओप्पो F5 में भी एक ही सिम ट्रे मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप दो नैनो सिम कार्ड्स के साथ अलग से एक माइक्रो SD कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, और ये इस फोन का एक प्लस पॉइंट है। साथ में मिल जाता है पावर ऑन ऑफ बटन। और मोटो X4 में पीछे की तरफ मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। मेन सेंसर है 12 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है F2.0, और सेकेंडरी सेंसर है 8 मेगापिक्सल का जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और इसका अपर्चर है F2.2। और ओप्पो F5 में मिलता है हमें 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा जिसका अपर्चर है F1.8। और फ्रंट में हमें मिलती है ओप्पो F5 में 6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2160, और उसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और मोटो X4 में हमें मिलती है एक नॉर्मल 16:9 रेशो वाली डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 1080x1920, और उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन बात करें अगर डिस्प्ले क्वालिटी की, तो दोनों ही फोन्स में IPS डिस्प्ले मिलती है, लेकिन जो कलर कंट्रास्ट है वो मोटो X4 का स्लाइटली बेटर है, और जो व्यूइंग एंगल्स है वो दोनों ही फोन्स के ठीक है। मोटो X4 में हमें मिलता है ऑलमोस्ट स्टॉक UI, और करेंटली ये एंड्रॉइड नोगा 7.1.1 पे चल रहा है, और ओप्पो F5 में मिलता है हमें कलर OS 3.2 ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड नोगा 7.1.1, और दोनों ही फोन्स में फ्यूचर में एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट मिल जाएगा। और डे टू डे यूजेज में दोनों ही फोन्स में आपको किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलेगा। अब बात की जाए अगर रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे ओप्पो की परफॉर्मेंस अबव एवरेज है। अगर कंपेयर करूँ मैं मोटो X4 से, मोटो X4 में ज़्यादातर सारी ही एप्लीकेशंस रीलोड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेनोवो इस इशू को नोटिस करेगा और फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर अपडेट देके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। और बेंचमार्क स्कोर देखने के बाद ये काफी क्लियर है कि मोटो X4 का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है क्लॉक्ड एट 2.2 GHz पे, वो एक्चुअली बेटर है ओप्पो F5 के मीडियाटेक MT6763T हीलियो P23 ऑक्टाकोर प्रोसेसर से जो कि क्लॉक्ड एट 2.5 GHz पे। अगर GPU की बात करें तो हमें ओप्पो F5 में मिलता है माली G71 MP2 GPU, और मोटो X4 में मिलता है एड्रीनो 508। गेमिंग परफॉर्मेंस भी मोटो X4 की फार बेटर है ओप्पो F5 से। ज़्यादातर सारी ही हैवी गेम्स आप मोटो X4 में खेल सकते हो विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स, और ओप्पो F5 में आपको काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को मिलेंगे। चाहे बात की जाए एसफेल्ट 8 की या मॉडर्न कॉम्बैट 5 की, दोनों ही गेम्स में काफ़ी लैग्स देखने को मिल जाते हैं। और इन हैवी गेम्स को खेलने के लिए चाहिए होती है हमारे को फोन में एक बढ़िया बैटरी। बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो ओप्पो F5 में हमको मिलती है 3200 mAh की बैटरी, और मोटो X4 में मिलती है 3000 mAh की बैटरी। दोनों ही फोन मेरे को एक दिन का बैटरी बैकअप दे देते हैं। अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो ओप्पो F5 में मेरे को ऑलमोस्ट 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, और मोटो X4 में मेरे को 5 से 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है मेरे मॉडरेट यूसेज के अकॉर्डिंग। अब बात करें अगर चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पे मैं ओप्पो F5 से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। 20,000 rupees का ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, और इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको 0 to 100% 3 आवर्स लग जाते हैं। दैट मीन्स किसी भी तरह की फास्ट चार्जिंग ये फ़ोन सपोर्ट नहीं करता। मोटो X4 की बात करें तो बॉक्स के अंदर ही आपको टर्बो चार्जर मिल जाएगा, और 0 to 100% 1 hour 40 minutes में मोटो X4 चार्ज हो जाता है। तो मोटो X4 में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि ओप्पो F5 में मिसिंग है। जैसा कि आप देख सकते हो मोटो X4 में हमें फ्रंट में मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ओप्पो F5 में हमें बैक में मिलता है। अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो दोनों ही फिंगरप्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, लेकिन अगर किसी एक को पिक करना हो तो ओप्पो F5 का स्लाइटली फास्टर है अगर कंपेयर किया जाए मोटो X4 से। और जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स में सभी तरह के सेंसर्स जैसे जायरोस्कोप, कंपस, प्रॉक्सिमिटी और एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं।
अब बात करें अगर कैमरा की, तो ओप्पो F5 में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल रेयर कैमरा जिसका अपर्चर है F1.8 और मोटो X4 में मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, एक सेंसर है 12 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है F2.0 और दूसरा वाइड एंगल सेंसर है 8 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है F2.2। और ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने कैप्चर करे हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। तो ये कुछ मैंने पिक्चर्स कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था मोटो X4 में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, तो आप डेप्थ मोड या फिर पोर्ट्रेट मोड से कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो। और इसका जो सेकेंडरी वाइड एंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, उससे आप 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू में कुछ इस तरह के वाइड एंगल शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो। और जैसा कि आप इस सैंपल शॉट में देख सकते हो, मोटो X4 से ली गई पिक्चर में कलर्स काफी नेचुरल है और इसके सामने ओप्पो F5 की पिक्चर के कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट लगते हैं, हालांकि डिटेल्स दोनों ही पिक्चर्स में इनफ है। और ये सैंपल शॉट एक परफेक्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हो कलर्स का काफी डिफरेंस है। अब एक बार जूम करके देखते हैं कि किस पिक्चर में ज्यादा डिटेल्स है, और जूम करने के बाद मोटो X4 की इमेज में डिटेल्स स्लाइटली बेटर है ओप्पो F5 से। अब यह है एक मैक्रो शॉट जो दोनों ही फोन से काफी अच्छा आया है। अगर फोकसिंग टाइम की बात करूं तो दोनों ही फोन एक बार में फोकस लॉक कर लेते हैं, और इस इमेज में आप देख सकते हो दोनों ही पिक्चर्स में काफी डिटेल्स हैं। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में फुल HD 1080p 30fps पे, और जैसे कि आप देख रहे हो मैं वॉक कर रहा हूँ, इससे आपको स्टेबिलाईजेशन का भी आइडिया लग जाएगा। जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी फोन के मेन माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं एक बार टेस्ट वॉक करके दिखाता हूँ आपको। फोकस चेक कर लेते हैं अब एक बार। और जैसे कि आप देख सकते हो 2 से 3 बार मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूं, दोनों ही फोन्स का ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क करता है। अब ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस में, और जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही फोन से ली गई पिक्चर्स में काफी नॉइज है, और अगर फ्लैश ऑन की जाए तो ओप्पो F5 में कलर्स वॉश्ड आउट लगते हैं, हालांकि मोटो X4 की इमेज स्लाइटली बेटर लगती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ओप्पो F5 में F1.8 अपर्चर मिलता है, जिसकी वजह से इस सैंपल शॉट में आप देख सकते हो ओप्पो ज्यादा लाइट गैदर कर पा रहा है, बट जो नॉइस लेवल्स है वो भी ओप्पो की पिक्चर में थोड़े ज्यादा है, बट ओवरऑल में किसी को भी यहाँ पे पिक नहीं कर सकता। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स की काफी एवरेज है। अब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों ही फोन के रेयर कैमरा से 1080p 30fps पे। लो लाइट कंडीशन से आप देख सकते हो, और मैं वॉक कर रहा हूँ तो स्टेबिलाईजेशन का भी आपको पता चल जाएगा। अब एक बार फोकस चेक कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो 1 से 2 सेकंड लगा रहे हैं फोन फोकस लॉक करने में, बट दोनों ही फोन का ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क करता है। 2 से 3 बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फोकस, तो बिल्कुल फोकस लॉक करने में दोनों ही फोन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये कुछ सेल्फीज हैं जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, और जैसा कि आप देख सकते हो डेलाइट कंडीशंस में दोनों ही फोन्स काफी अच्छी सेल्फीज ले लेते हैं। बट एक बार जूम करके देखते हैं, और जूम करने के बाद आप देख सकते हो ओप्पो F5 की पिक्चर में डिटेल्स बेटर है। अब ये सेल्फी मैंने कैप्चर करी थी एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में, और जैसा कि आप देख सकते हो ओप्पो F5 की पिक्चर में जो नॉइस है वो काफी कम है अगर कंपेयर करें मोटो X4 से, लेकिन मोटो X4 में एक डेडिकेटेड फ्लैश मिलती है फ्रंट में, और फ्लैश ऑन करने के बाद भी जो नॉइस लेवल्स है वो मोटो X4 की पिक्चर में ज्यादा है। ओप्पो F5 में डिस्प्ले फ्लैश मिलती है जो कि ग्लो करती है जब आप पिक्चर क्लिक करते हो, और जो कलर्स है वो काफी नेचुरल लगते हैं ओप्पो F5 की सेल्फी में। और यह है एक स्लो मोशन वीडियो सैंपल जो मैंने रिकॉर्ड करा है मोटो X4 के रेयर कैमरा से 720p 120fps पे, और ओप्पो F5 स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता, तो ये चीज को आप ध्यान में रखना। और जहां तक बात रही फ्रंट कैमरा के वीडियो सैंपल्स की, तो ये पूरा ही रिव्यू मैंने दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया है, और जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है वो भी फोन के मेन माइक्रोफोन से ही हुई है। तो पहले बात करते हैं फोन के रियर कैमरा की।
मैंने जितने भी आपको सैंपल शॉट्स दिखाए वो ऑटो एचडीआर मोड ऑन करके लिए थे, बिकॉज कैमरा ऐप ओपन करने के बाद ऑटो एचडीआर मोड ऑटोमेटिकली ऑन होता है। अगर बात करें इमेज क्वालिटी की तो डेलाइट कंडीशंस में मेरे को मोटो एक्स फोर की इमेजेस स्लाइटली बेटर लगी। दोनों ही फोन्स में डिटेल्स तो इनफ थी, बट ओप्पो एफ फाइव की पिक्चर्स में जो कलर्स थे वो थोड़े से ओवर एक्सपोज लग रहे थे और मोटो एक्स फोर की इमेजेस में जो कलर्स थे वो काफी नेचुरल लग रहे थे। अब बात करें अगर लो लाइटिंग कंडीशंस की तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स ने काफी स्ट्रगल करा है, नॉइस लेवल्स दोनों ही की पिक्चर्स में काफी ज्यादा थी। अब बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, ओप्पो F5 में मिलता है 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विद F2.0 एपर्चर और मोटो X4 में मिलता है हमें 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर और इसका एपर्चर भी F2.0 है, बट जो रिजल्ट्स थे वो काफी क्लियर थे चाहे डे लाइट हो या लो लाइट हो। जो पिक्चर्स थी वो सारी मेरे को ओप्पो F5 के फ्रंट कैमरा से बेटर लगी है, बिकॉज इनमें डिटेल्स भी ज्यादा थी और कलर्स भी ज्यादा एक्यूरेट थे। फाइनली अब अगर बात करें दोनों ही फोन्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं ओप्पो F5 के प्रोज से। इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले मिलती है वो 18:9 वाली है, जो कि एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर 6 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। सेकंड, इस फोन के अंदर हमें एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, तो आप दो सिम कार्ड्स के साथ अलग से एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। थर्ड, इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है, कमाल की सेल्फीज आती हैं चाहे लो लाइट हो या डे लाइट हो, और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर मेरे को अभी तक का सबसे अच्छा फ्रंट कैमरा इस फोन का लगा है। तो जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, मैं उसके बारे में तारीफ बिल्कुल करूंगा। अब फाइनली बात करते हैं फोन के कुछ कॉन्स के बारे में। तो इस फोन का जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है प्राइस को कंसिडर किया जाए तो। एसफल्ट 8 और मॉडर्न कॉम्बैट 5 जैसी गेम्स जब मैंने हाई ग्राफिक्स पे खेली तो काफी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मुझे मिले, हालांकि मीडियम ग्राफिक्स पे दोनों ही गेम स्मूथली चल जाती है। सेकंड, इस फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता और ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं 0 to 100% चार्ज करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस सेगमेंट के फोन से। थर्ड, इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है। आप मोटो X4 की बिल्ड क्वालिटी देखो, फ्रंट में ग्लास, बैक में ग्लास, साइड में मेटल का फ्रेम मिलता है और ज्यादातर बाकी फोन से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें भी मेटल की बैक मिल जाती है, बट जो बिल्ड क्वालिटी है वो फोन की बिल्कुल एवरेज है क्योंकि प्लास्टिक की बैक दी गई है। अब बात करते हैं अगर मोटो X4 के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो मोटो X4 के प्रोज ये है कि इस प्राइस सेगमेंट में ये पहला फोन है जो कि IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट है। सेकेंड, ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और थर्ड, इस फोन का प्रोसेसर ज्यादातर सारी ही हैवी गेम्स हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो, किसी भी तरह के फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इस फोन के कुछ कॉन्स की बात करूं, सबसे पहले इस फोन के अंदर हमें एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, तो आपको एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम कार्ड्स के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। और सेकंड, इस फोन का जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ज्यादातर सारी एप्लीकेशंस मेमोरी में नहीं रहती और रीलोड हो जाती है। रैम मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है, बट वो लिनोवो करेगा या नहीं करेगा इस बात के ऊपर मैं कमेंट अभी नहीं कर सकता। तो दोनों ही फोन्स के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद आप दोनों में से कौन सा फोन लेना प्रेफर करोगे ये मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपको पर्सनली मोटो X4 रेकमेंड करूंगा, बिकॉज प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को मोटो X4 वैल्यू फॉर मनी लगता है। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के रिव्यूज अगर आपको फ्यूचर में देखने हैं तो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।